दोस्तों क्या पेन के अंदर जो इंक होती है वो फ्लेमेबल होती है तो चलिए दोस्तों इसको भी ट्राई करके कर देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं इस पेपर के ऊपर पूरी तरीके से पेन के अंदर की इंक को बाहर निकाल रहा हूं और दोस्तों पूरी तरीके से इंक बाहर निकल चुकी है तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें आग लगा के देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर आग लग चुकी है और जैसे की आप इस वीडियो में देख ही सकते हो मैं इसके ऊपर जैसे ही पेपर ले जाता हूँ यह पूरी तरीके से जल चुकी है यानी की इंक फ्लेमेबल होती है